हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम हथियार सीरीज चला रहे थे, तो हथियार सीरीज का ये सेट टू है। और ये किसके लिए? आपका जीके के लिए है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा। तो इसका हम देखते हैं सेट टू में पहला क्वेश्चन। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये ध्यान रखिए, कौन सा पुरस्कार है आपका पुलित्जर, और ये कब के लिए दिया गया है? 2022 के लिए। तो यहाँ देख लीजिए आपका किस किस क्षेत्र में दिया गया है आपका। और जैसे इंग्लिश में भी आपका, जैसे फहमीदा अजीम और बांग्लादेश ओरिजिन अंडर विच कैटेगरी डिड पुलित्जर अवार्ड 2022 है जो। तो यहाँ देख लीजिए आप, जैसे इसमें पहला वो दिया है ऑप्शन, जैसे ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, दूसरा दिया है कमेंट्री, तीसरा दिया है आपका इल्यूस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका एडिटोरियल राइटिंग। तो जिसमें जो मानो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है, वो किसके लिए जीता है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो फहमीदा अजीम है, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो जीता है, वो किसके लिए जीता है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बहुत। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है आपकी? ढाका। कहाँ पे है? ढाका। तो ये ध्यान रखिए। अब भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी जो रेल सेवाएं वो कौन सी हैं, कौन कौन सी रेल चलाई जाती हैं? एक तो मिताली है, क्या मिताली, और दूसरी आपकी क्या है? मैत्री। दूसरी क्या है? मैत्री। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है व्लाडिमीर जेलेंस्की, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है जो बाइडेन, और चौथा है आपका इमैनुअल मैक्रोन। तो इसमें देख लीजिए, इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए, हु हैज बीन अवार्डेड द लिबर्टी मेडल 2022। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे व्लाडिमीर जेलेंस्की, और दूसरा दिया है आपका नरेंद्र मोदी, और जियो बाइडेन, और इनोमेल मैक्रों। तो ये आप देख लीजिए कुल मिला के। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, लिबर्टी मेडल 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, आपका किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की। अब ये बात हम करते हैं जेलेंस्की की। तो जेलेंस्की कहाँ के निवासी हैं? यूक्रेन के, जो कि वर्तमान में किस किसके मध्य चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और किसके, रसिया के बीच। अब बात करते हैं हम यूक्रेन की। अब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है आपकी? कीव। कहाँ पे? कीव। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? और डबल डेकर एसी बस है, वो एसी इलेक्ट्रिक बस है, कैसी है? पहले पहली है भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर बताएंगे, जो आपका देखो ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन दिए हैं आपके, एक तो हैदराबाद है, दूसरा है आपका बंगलोर, तीसरा है मुंबई, चौथा है क्या? पुणे। तो आप ध्यान रखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? मुंबई। कौन सा होगा सही आंसर? मुंबई है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो इसके बारे में हम जानते हैं कुछ। जैसे इसी साल मुंबई को कौन सा अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड।
सिटी ऑफ द बर्ड, तो ये ध्यान रखिए। और इससे पहले ये अवार्ड किसको मिल चुका है, किसको मिल चुका है, हैदराबाद को। ये सेकंड है कौन, मुंबई, और फर्स्ट कौन सा था भारत का, हैदराबाद, कौन सा था, हैदराबाद। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। सॉरी, तो जैसे आपका है अरुणाचल प्रदेश, या इन विच स्टेट बिल द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोल्ड स्पैट स्लैग रोड, तो ये ध्यान रखना होगा किसका है ये रोड, किससे बनाया गया है, इस्पात स्लैग, जो स्टील का स्लैग होता है उससे किसका निर्माण किया गया है, एक रोड का। तो ये बनाया कहाँ है और किसने बनाया है, सीमा सड़क संगठन, किसने बनाया है, सीमा सड़क संगठन, इसे इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, BRO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री, किसका, डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अब बात करते हैं हम कि जो सिलेक्ट रोड का निर्माण करेगा सीमा सड़क संगठन, तो वो कौन सा होगा आपका, तो कौन सा राज्य होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे किया जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर, कहाँ पर है, ईटानगर, ईटानगर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, CM, और किसकी, गवर्नर की, तो CM यहाँ पे कौन है, पेमा खांडू, कौन है यहाँ पे, पेमा खांडू। और बात करते हैं हम गवर्नर की, तो गवर्नर यहाँ कौन है आपके, तो गवर्नर है यहाँ पे BD मिश्रा, कौन है आपके, BD मिश्रा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखेंगे हम अगला, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये कुछ दिया है, ये इसे काट देना, ये इसमें शामिल नहीं है क्वेश्चन में। जैसे आपका बेचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया हैज स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 18, 2022, तो डिजी यात्रा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाई, यहीं तक ये क्वेश्चन है, जो इनवाइटेड दिया है इसे हटा देना आप। तो बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें ऑप्शन में दिए हैं आपके क्या, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अब यहाँ दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है वो किसने किया है, हैदराबाद ने, किसने किया है, हैदराबाद ने। ये डबल डबल ऑप्शन हो गए हैं, तो इसे काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं हम हैदराबाद की, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हैदराबाद है आपका वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो ये आपकी किसकी है, तेलंगाना की। अब तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को, ये ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद भी हम देख लेते हैं और कुछ। जैसे आपका हैदराबाद है, हैदराबाद को किसके नाम से और जाना जाता है, जैसे निजामों का शहर, किसका, निजामों, सिटी ऑफ निजाम, निजामों का शहर। और किस नाम से जाना जाता है, मोतियों का शहर, किसका, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो जो 2G एथेनॉल प्लांट है वो राष्ट्र को समर्पित किया है, वो स्टेट आपका कौन सा है, ये चीज़ मुझे ध्यान रखना है। तो जो 2G किसने किया है इसका अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये कैसा है, 2G एथेनॉल है, राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये आपका इसका आंसर इसके दिए हैं, या इंग्लिश में देख लो पहले, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो डेडिकेटेड 2G एथेनॉल प्लांट टू द नेशन। तो जो राष्ट्र को समर्पित किया है 2G एथेनॉल प्लांट, तो वो कौन सा राज्य होगा आपका, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, हरियाणा। यहाँ भी ये डबल डबल ऑप्शन लिखे हैं तो एक बार काट दो इन्हें। तो ये इसका सही आंसर आपका क्या होगा, हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट ऐसा है जिसमें 2G एथेनॉल प्लांट को लगाया गया है और जो देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब बात करते हैं हम हरियाणा की, तो जो देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, वो कहाँ खोला गया है आपका, देश का, या इंग्लिश में देख लो, इंडियाज बिगेस्ट, इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट हॉस्पिटल, और ये कहाँ खोला गया है आपके, झज्जर, झज्जर, और ये झज्जर कहाँ पड़ता है आपके, हरियाणा में, कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। तो ये ध्यान रखना, तो जो कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर, तो कैंसर का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो कहाँ खोला गया है भारत में, झज्जर में, और झज्जर ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में, और अब जो आपका इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपका कैंसर हॉस्पिटल में यहाँ क्या होगा, आपका प्रोटोन थेरेपी की जाएगी, क्या होगा समझ लीजिए, प्रोटोन थेरेपी। तो जो प्रोटोन थेरेपी से क्या होगा आपका, जो कैंसर का ट्यूमर होता है ना, अर्थात जो ट्यूमर, कैंसर के ट्यूमर को ख़त्म किया जाएगा, कैंसर के ट्यूमर को कैसा किया जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ क्या होगा, प्रोटोन थेरेपी होगी, और प्रोटोन थेरेपी के माध्यम से कैंसर के जो ट्यूमर होगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यही है सबसे बड़ी चीज़, यहाँ समझ लीजिए। अब वो पूछ सकता है कि मानो जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल झज्जर में खोला गया है उसमें किस माध्यम से कैंसर को ख़त्म किया जाएगा, तो प्रोटोन थेरेपी के माध्यम से किया जाएगा, और ये भारत का सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देख लो, भारत में जो बर्मिंघम, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते। तो जो बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था, जो कॉमनवेल्थ गेम थे, तो उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 या 2022 हेल्ड इन बर्मिंघम, तो ये मुझे बताना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जो लाइव लिखा है वो भी काट दीजिए आप। तो यहाँ हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, तो 2022 या 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, टोटल पदकों की संख्या क्या थी, यहाँ देख लीजिए आप, टोटल पदक कितने थे, 61। टोटल पदक थे 61। अब इसमें बात करते हैं कितने गोल्ड थे और कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले गोल्ड की, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो भारत में वो सॉरी भारत ने गोल्ड कितने जीते थे इसमें, तो गोल्ड की संख्या थी 14,
वो सॉरी 22, और सिल्वर की संख्या थी 16 और ब्रॉन्ज की संख्या थी 23। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, 61। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था, तो जो जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, तो यहाँ ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो इसमें गोल्डों की संख्या कितनी थी भारत की, 22, और 22 गोल्ड के साथ ये कौन से पायदान पर रहा था, चौथे पायदान पर, कौन, भारत। और सिल्वर मेडल की संख्या कितनी थी, 16, और आपके ब्रॉन्ज मेडलों की संख्या कितनी थी, 23। अब बात करते हैं हम 2018 की, तो 2018 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें भारत ने टोटल पदकों की संख्या कितनी थी, यहीं देख लो आप, टोटल पदक इसमें कितने जीते थे भारत ने, 66, कितने जीते थे, 66, जिसमें आपके 26 क्या थे, गोल्ड। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए था, भेयर वाजदा हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल, इन गारंटेड। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए हमें कि आपके ये ऑप्शन दिए हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल खोला है, जिसको नाम क्या दिया गया है, अमृता अस्पताल, अर्थात वो ये भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल भारत में खोला गया है, उस अस्पताल का नाम क्या है, तो उसे अस्पताल का नाम क्या है, अमृता अस्पताल। अब बात करते हैं ये कहाँ खोला गया है, तो ये आपका कहाँ खोला गया है, फरीदाबाद में। आपके ऑप्शन दिए हैं महोबा उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार, फरीदाबाद हरियाणा, गांधीनगर गुजरात। तो ये कहाँ खोला गया है, फरीदाबाद में। अब बात हम करते हैं फरीदाबाद की, तो ये फरीदाबाद पड़ता कहाँ है, हरियाणा में। अब हरियाणा में, ये फरीदाबाद में हाल ही में शायद मार्च में लगा था, ये मार्च में क्या, यहाँ पे सूरज कुंड मेला, क्या, सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है, फरीदाबाद हरियाणा में। अब ये जो मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कैसा है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मेला है, और ये कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा कैसा है, शिल्प मेला है। अब ये हम बात करते हैं जैसे थीम स्टेट वगैरह के, इसके बारे में हम बात करेंगे कि तो इसका थीम स्टेट क्या था, थीम स्टेट इसका क्या था, जे एंड के, और भागीदार राष्ट्र या पार्टनर नेशन कौन था, या पार्टनर कंट्री, पार्टनर कंट्री कौन था, उज्बेकिस्तान, कौन सा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, थीम स्टेट कौन था, जे एंड के, और इसमें क्या है, पार्टनर कंट्री कौन था, उज्बेकिस्तान। तो जो सूरज कुंड मेला है, जिसका आयोजन कहाँ होता है, फरीदाबाद में होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, इसमें जो शिल्प कारीगर वगैरह होते हैं वो अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं। और जो हम बात कर रहे थे अमृता अस्पताल की, तो अमृता अस्पताल भी हमारा कहाँ खोला गया है, फरीदाबाद में। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है, IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो IMF की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, क्या होता है ये पूछा गया है कई कई जगह, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो ये ध्यान रखना। अब IMF, अब बात करते हैं हम
नए कार्यकारी निदेशक। तो आईएमएफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आईएमएफ, जो आईएमएफ का स्थापना हुई थी वो तो 1944 में हुई थी, लेकिन ये स्टेड हुआ था इतने में, लेकिन जो वर्क इसने किया था वो कब किया था, 1945 में, दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, जो स्थापना हुई थी 44 में, और लेकिन इसने कार्य कब शुरू किया था, तो 1945, दिसंबर 1945। उसके बाद हम अब करते हैं बात इस क्वेश्चन के बारे में। तो अभी आईएमएफ के बारे में जान लो थोड़ा और। तो आईएमएफ का जो अध्यक्ष है, जैसे एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष एक ही है अभी, वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, क्रिस्ट लीना जॉर्जेवा, और 22 एमडी, ये अपने भारतीय मूल की, जो उसकी मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं वहाँ की, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। और ये पहली भी हैं, पहली 22 एमडी हैं, पहली वो प्रबंधक हैं ये, इससे पहले कोई वहाँ 22 एमडी हुआ नहीं करता था, तो ये फर्स्ट भी हैं। कौन है ये, फर्स्ट एमडी भी हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आईएमडी के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं, के वी सुब्रमण्यम, कौन बनाए गए हैं, के वी सुब्रमण्यम। अब के वी सुब्रमण्यम ने किसका स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है, के वी सुब्रमण्यम, के वी सुब्रमण्यम ने किसका स्थान लिया है, सुरजीत सिंह भल्ला का, किसका स्थान लिया है, सुरजीत सिंह भल्ला का। तो ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो कार्यकारी निदेशक थे वो कौन थे, सुरजीत सिंह भल्ला। सुरजीत सिंह भल्ला के रिटायर्ड होने के बाद कौन बने हैं, के वी सुब्रमण्यम। अब आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1944 में या 1944 में। अब ये वर्क करना मतलब कार्य करना स्टार्ट कब हुआ था, 1945 में, अर्थात 1945 में। इसके वर्तमान में एमडी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसकी प्रेसिडेंट भी यही है, प्रेसिडेंट भी है और एमडी भी यही है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और 22 एमडी ये फर्स्ट चुनी गई हैं, गीता गोपीनाथ ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं आईएमएफ में, और के वी सुब्रमण्यम ने किसका स्थान लिया है, सुरजीत सिंह भल्ला का। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। तो हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, या रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं अर्जुन सिंह, समीर वी कामत, ये आल नहीं है, आप हटा दीजिएगा आप। ठीक, ये नीचे भी, तो यहाँ कौन है, समीर वी कामत, विनीत एम शर्मा और पुरुषोत्तम एल राव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, समीर वी कामत। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो समीर वी कामत से पहले यहाँ कौन थे, समीर वी कामत से पहले यहाँ कौन थे, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इससे पहले थे, जी सतीश रेड्डी, तो इससे पहले जी सतीश रेड्डी जी थे। अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में कि डीआरडीओ की स्थापना, जो डीआरडीओ है तो इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, दिल्ली में, अर्थात दिल्ली या नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये किसके अंडर में काम करता है, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ किसके
किसके अंडर में काम करता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब डीआरडीओ का काम क्या होता है? जो डीआरडीओ का बेस होता है मेन रूप से, वो किस पे काम करता है? आरएनडी। आरएनडी समझते हो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई चीज़ों को खोजना और उसे क्या करना, विकसित करना, यही डीआरडीओ का मुख्य उद्देश्य है। तो यही है, इसी के साथ ही आपका 10 क्वेश्चनों की जो इसमें करंट के क्वेश्चन थे सारे, और उसी से रिलेटेड जो आपके स्टेटिक जीके के हैं वो भी बता दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी ये आपकी सीरीज चल रही है जो हथियार सीरीज, मानो ये सबसे ज़्यादा जो आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो आपके जैसे डीआरडीओ है, आईओसीएल है, क्योंकि इनकी दोनों की एग्जाम पास ही हैं। एक की 6 नवंबर को है तो एक का शायद 12 से स्टार्ट है डीआरडीओ का, उसका भी एग्जाम करीब है। तो ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है, चाहे वो आईटीआई का स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बीएससी हो या फिर डिप्लोमा से हो, अर्थात वो किसी से भी हो। और ये क्लास सभी के लिए है वैसे, चाहे किसी भी की भी एग्जाम दे, करेंट तो आजकल आ ही रहा है तो इसे क्लास को कोई भी देख सकता है। तो हम सभी आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा जो एमआर के स्टडी करके ऑफिशियल करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको सभी ज्वाइन करें, जिसपे आप सभी को क्या होता है पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।